नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 मार्च 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर आप जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग में अब आउटसोर्स आधार पर नहीं होगी भर्तियां। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अब जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स आधार पर भर्तियां नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक नीति के तहत विभाग में 5000 पदों की भर्ती करेगी ताकि भविष्य में ये लोग सरकारी कर्मचारी बन सके। डिप्टी सीएम मंगलवार को विधानसभा में जल शक्ति विभाग से संबंधित विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में आधा दर्जन बंद किए गए कार्यालयों को खोल दिया है और शेष कार्यालयों को बंद करने के निर्णय की पुनः समीक्षा कर इस संबंध में एक कार्य योजना मंत्रिमंडल में ले जाई जाएगी और सभी जरूरी कार्यालयों को फिर से खोलने का प्रयास होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग में पहले से आउटसोर्स में लगे लोगों को क्या करना है ये बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में ये भर्तियां पूर्व सरकार द्वारा घोषित 8370 भर्तियों के अलावा होगी क्योंकि इन भर्तियों को सरकार ने अभी रद्द नहीं किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार क्लीन बेस कंपनी को भर्ती करने का कोई ठेका नहीं देगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नल लगाने का कार्य अब बहुत हो गया है, अब सरकार सिंचाई पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में विकास कार्य में तेजी लाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया बदली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में ना कोई टेंडर प्रक्रिया बंद की और ना ही कोई भुगतान रोका गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने विभाग में चुनावी वर्ष में जो इरिगेशन विंग बनाया है उससे मौजूदा सरकार ने महिमा तक जारी रखने को मंजूरी दी है। पेपलिक मामले में मुख्य आरोपी उमाजात की पड़ोसन गिरफ्तार, 4 दिन के रिमांड पर भेजे 5 आरोपी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपलिक मामले में विजिलेंस ने मंगलवार को गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है जहां से उन्हें 31 मार्च तक रिमांड मिला है। विजिलेंस ने बीते सोमवार को अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 पहले से ही जेल में बंद है जबकि 3 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा मंगलवार को पेपलिक मामले की मुख्य आरोपी उमाजात की पड़ोसन सुनीता देवी को ड्राइंग मास्टर पेपर पोस्ट को 980 के मामले में गिरफ्तार किया है जिसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र कुलदीप सिंह राठौर बोले, हिमाचल में बिना एमओयू से चल रहे अडानी के सीए स्टोर। हिमाचल प्रदेश में बिना कोई एमओयू साइन किए अडानी के सीए स्टोर चल रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में अडानी का मामला गूंजा जिसे राठौर ने सवाल के माध्यम से उठाया। राठौर ने कहा कि अडानी ने जब सीए स्टोर स्थापित किए उस समय सरकार ने उनका पूरा सहयोग किया था तथा उन्होंने भी बागवानों की सहायता का पूरा भरोसा दिया था, लेकिन अब हुआ इससे उल्टा है। आप प्रदेश की 5000 करोड़ रुपए की सेब आत की अडानी के कंट्रोल में आ गई है। पहले सेब सीजन शुरू होती अडानी दाम तय कर देता था, लेकिन अब सेब सीजन शुरू होने पर भी चुप रहते, लेकिन सीजन के बीच में भी आकर दाम तय करते हैं जिससे दाम गिर जाते हैं। खबर एचक्यू से, एचएएस प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचक्यू का पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोचिंग शुरू करने जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश विश्वविद्यालय ने इसमें चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी कर दी है। इसमें 88 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोचिंग 3 अप्रैल से 2 जून तक दी जाएगी। विधानसभा में फिर गूंजा माननीयों के चलान का मामला, सीएम बोले तैयार होगी विस्तृत गाइडलाइन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में माननीयों के चलान से जुड़े मामले की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार से इस बारे में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखुने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस विषय को लेकर विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ये चाहती है कि विधान पालिका, न्यायपालिका और मीडिया सब इससे तालमेल बना रहे, ऐसे में किसी भी सूरत से टकराव की स्थिति पैदा ना हो। इसके लिए विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद ही सरकार किस नतीजे पर पहुंचना चाहती है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 6 अप्रैल तक चल रहा था,
इससे जुड़ी जानकारी को सदन में साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों की परिधि में रहकर विधायकों की संस्था को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष को इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आम आदमी को बड़ी राहत, सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की अवधि 30 जून तक बढ़ाई। स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की अवधि 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी ने इस मन में कहा है कि पहली अवधि 31 मार्च थी, इसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। इस दौरान पैन को आधार से नहीं जोड़ने वालों के पैन को 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे संबंधित व्यक्ति को रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स भर्तियां नहीं करेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को कहा कि सरकार जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स भर्तियां नहीं करेगी। सरकार इनके स्थान पर नियमित नियुक्तियां करेगी ताकि इनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके। पूर्व सरकार ने मंडी जिले के बग्गी में जल शक्ति मंडल खोलकर 2322 पैराफेटर और बहुदेशीय कर्मियों की भर्ती चिट्ठों पर की है। कानामोले के सिर्फ 7 लोग लगे और सरकार 506 लंबित ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाएगी। कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए हैं। ईपीएफ खाता धारकों को बड़ा तोहफा, अब जमा राशि पर मिलेगा 8.15% ब्याज। करोड़ों ईपीएफ धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफ ने नए साल का तोहफा देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% करने का फैसला लिया है, यानी आपकी जमा राशि में अब 8.15% की दर से ब्याज लगेगा। 412 नई पंचायतों में से सिर्फ 5 के पास अपना भवन, 125 में निर्माण के लिए अभी तक नहीं मिली जमीन। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020 में 412 नई पंचायतों का गठन किया गया था। 412 में से सिर्फ 5 ही पंचायतों के पास अपना भवन है। 407 पंचायतों के पास अभी तक अपना भवन नहीं है। नई बनी 125 पंचायतों को अभी तक भवन निर्माण के लिए जमीन ही नहीं मिली है। पंचायती राज विभाग ने कुल 287 पंचायतों को भवन निर्माण के लिए अनुदान राशि जारी की है। इनमें से 7 पंचायतों के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, बाकी 282 पंचायतों में भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा सत्र प्रश्नकाल में जगत सिंह नेगी बोले, पूर्वजों के समय सरकारी भूमि पर बनाए मकान नहीं होंगे स्थायी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों परिवारों ने पूर्वजों के समय सरकारी भूमि पर मकान बनाया उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल का लेकर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद पात्रता अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा। 2-3 विश्वा योजना के तहत पात्रता अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि लोगों को भूमि प्रदान की जा रही है। बीते 5 वर्ष में कुल 487 पात्र लोगों परिवारों को इस योजना के तहत भूमि दी गई है। विधानसभा सत्र, नई ग्राम पंचायतों में भर्ती होंगे सचिव रोजगार सेवक। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि नव सृजित 412 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत सचिव के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। नए पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद को सरकार ने सृजित नहीं किया है। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए 3 पंचायतों पर 1 ग्राम रोजगार सेवक की दर से कुल 124 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। आज शाम 4:30 बजे प्रस्तावित इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। बैठक में कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर भी फैसला संभावित है। एक दिन में रिकॉर्ड 2750 सैंपल लिए, 140 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद मंगलवार को विभिन्न अस्पतालों में एक दिन में रिकॉर्ड 2750 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 140 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 574 पहुंच गई है।
वेदर अपडेट, हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम फिर बदलने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। इस दौरान उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि अन्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 मार्च को भी मध्य और उच्च पर्वतीय एक दो स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में 3 अप्रैल तक मौसम खराब बने रह सकता है। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला और अन्य भागों में धूप खिली रही। 25 ग्रामीण सड़कों के लिए नाबार्ड से 10,273 लाख रुपए स्वीकृत, बैठक में मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 10,273.82 लाख रुपए से 18 नई सड़कें बनाई जाएगी और पुरानी 7 सड़कों की मरम्मत होगी। 25 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को नाबार्ड की परियोजना आंतरिक स्वीकृति समिति की मंगलवार को शिमला में 107वीं बैठक में वित्तीय ऋण देने की मंजूरी दी गई है। मंडी, शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और चंबा की सड़कों को वित्तीय ऋण दिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा बजट जारी हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री घर में गिरने से हुए चोटिल, सिर पर लगे 5 टांके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार शाम को घर पर टहलते वक्त फिसलकर गिरने से चोटिल हो गया। उनके सिर के पिछले हिस्से में चोटें आई है, जहां 5 टांके लगाने पड़े। चोटिल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए IGMC अस्पताल शिमला लाया गया। प्रतिभा सिंह बोली, राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबा सकती केंद्र की सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से फैसला लेकर कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबा सकती है, पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। धारा 118 में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी, प्रदेश में अब 5 साल में इस्तेमाल करनी होगी जमीन। हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड फर्म एक्ट की धारा 118 में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद विधि सचिव शरद कुमार लगवाल की ओर से संशोधित एक्ट की अधिसूचना जारी होगी है। गौरव जयराम सरकार के समय धारा 118 में संशोधन कर इस धारा के तहत गैर हिमाचली को मिली जमीन की इस्तेमाल करने की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया था। तब ये तर्क दिया गया था कि हिमाचल में अनुमति लेने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए जमीन के इस्तेमाल की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए।